नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा सही सलामत मीत अलावत को घर में वापसी कराती है, क्योंकि उसको 24 घंटे का समय दिया गया था मीत अलावत के घर लाने के लिए। मीत हुड्डा ने मीत अलावत को 24 घंटे में ही घर ले आई, लेकिन दोस्तों अब जो साजिश रची जाएगी वो साजिश का पूरी तरीका से पर्दाफाश होगा कि आखिरकार नीलू जो बनी हुई थी वो लैला बनी हुई थी, क्योंकि लैला के किरदार में उसने इतने सारे कांड किए हैं, लेकिन उसकी सजा तो उसे मिलनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बर्फी देवी को जो अब एक झटका लगने जा रहा है उसके बारे में बर्फी देवी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि लगातार बर्फी देवी घर वालों को भड़काने में लगी हुई थी, लगातार घर वालों को भड़का रही थी लक्ष्मी के खिलाफ, ताकि घर वालों को भड़का रही थी मीत हुड्डा के खिलाफ। मीत हुड्डा के खिलाफ इसलिए भड़का रही थी कि मीत हुड्डा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। लेकिन दोस्तों अब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत अलावत पूरी चीज बताता हुआ नजर आने वाला है कि आखिरकार नीलू ने और बर्फी देवी ने किस किस तरीका से कैसे कैसे कांड किया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा टॉर्चर से गुजरना पड़ा था मीत अलावत को, यहाँ तक कि याददाश्त के लिए भी इंजेक्शन लगाया था लैला ने, ताकि इसकी याददाश्त कभी भी क्रैक हो जाए। लेकिन दोस्तों करने भगवान की है, सो इतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो पाई, और आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे किस पूरी तरीका से एक्सपोज होती हुई नजर आने वाली है। इधर मीत हुड्डा बोलती हुई नजर आने वाली है कि मैं तुम्हें दोनों माँ बेटी को इस घर में किसी लायक नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि लगातार मीत हुड्डा पर जो आरोप लगाए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि वो बर्फी देवी, और साथ में आप लोग जानते हैं कि बर्फी देवी का जो साथ दे रही थी मीत अलावत की मॉम दे रही थी। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज एंड लव यू ऑल ऑफ यू।